झूठ नहीं बोलूंगा। तू मेले से आ रहा है या कि स्कूल से आ रहा है? आज अचानक आप इतनी महंगी महंगी बातें कर Come on,
पहले जानता कि इतना कमीना दगाबाज मेरा भाई निकलेगा तो तुझे पाल पोस कर सयाना नहीं करता, मैं तुझे जान कर देता। सवाल हो और हमने तुमको एक देवी की तरह पूजा है, एक दुर्गा माँ की तरह की सेवा की है, वो मेरी माँ के सवाल है। खामोश हम जाते कभी नहीं। अगर कमला को तूने माँ कहा तो मैं तेरा माँ को निशान दिखा दूँ। आपको क्या हो गया? देवर जी को भी मार गए। तो असली रूप दिखा ही दिया। तो किसकी पत्नी है? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। हमारी पत्नी है ये। चलो एक बार नजर डालो इसकी सूरत पर। महाराज भंवर सिंह की पत्नी हो। आपको क्या हो गया? कैसी कैसी बातें कर रही हैं? कमीनी, तूने तो मेले में वो काम किया है शायद किसी भाभी ने नहीं किया होगा। बोल बोल, कुंवर सिंह तुझे कहाँ मिला? इसे तो हमने कॉलेज भेजा था। ये बात तो सत्य है, लेकिन कुंवर सिंह मेले में मिला। मिल गया मेले अलाम दादी, तूने अपना असली रूप दिखा दिया। और तेरा और जिसका रिश्ता क्या है? अब ये क्या दे रहे? तेरा और इसका रिश्ता क्या है साली? जब ये जवान हो गया तो इसी के साथ
किसी के साथ वासना की शक्ति बुझाई। कुंवर सिंह निकल जाओ यहां से। झूठा ये जाम मुझे पे लगाओ you
दूर हो जा मेरी नजरों से, क्योंकि मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। आराम चले तो
कमीनी, तूने इसे पाला, पाल पोछ कर जवान किया, इसीलिए कि जब जवान होकर तब एक दिन हमारे साथ वासना की प्राप्ति हो जाएगा। इसीलिए पाला इसे राम चादी, अगर अपनी गंदी जुबान से मुझे अपना पति कहा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे जिस्म के। आज उसी भाई को मैंने जल्लाद के हवाले कर दिया। कैसा खेल है तेरा बकवल भगवान, किसका शोर की जी।
अपने भाई को जल्लादों के हाथ पे सौंप दिया और अपनी रानी महारानी कमला को मार करके और घर से निकाल दिया। महाराज के ले गया खोए राजपाट बता कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में हमारे भी नहीं आ रही कि डाकू लोगों ने जो अभी बताया वो सत्ता उसकी सच्चाई क्या है। हम भी चल रहे हैं, चलते चलते बता रहे हैं, कैली बजा रहे आशिक पछाड़े से मार रहे धक्का घुंघट करे कहना चाहता हूँ।